सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? आप सभी का वेलकम है पूनम कौर रेसिपीज में। सो आज मैं आपके लिए बहुत झटपट से बनने वाले पास्ता की रेसिपी लाई हूँ, जो कि काफी डिफरेंट होगा। मतलब इसमें इंडियन तड़का टाइप होगा, मतलब टेस्ट होगा इंडियन वाला, जो कि आपको बेहद पसंद आएगा। और बहुत बेसिक सी चीजों के साथ हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। तो फिर देर ना करते हुए चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन में 2 कप पेने पास्ता ले लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी पास्ता आपको पसंद हो आप वो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया। जितना पास्ता होगा उसका 3 गुना पानी आपको डालना है बर्तन में या पतीले में, जो पास्ता है वो अच्छी तरह से उसमें डूब जाने चाहिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 3 पिंच नमक के, थोड़ा सा नमक हम डालेंगे इसमें, और साथ ही अब इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल का। रिफाइंड ऑयल काफ़ी ज़रूरी है ताकि पास्ता हमारे चिपके ना। तो अब बस इस बर्तन में हमने सारी चीज़ें ऐड कर दी। अब मैं इसे रख देती हूँ गैस पे। इसे उबालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, परफेक्टली उबालना। आप बीच बीच में इसे मिक्स करते रहिएगा। सबसे पहले इसमें एक उबाल आने दीजिए। जब इसमें एक बॉईल आ जाएगा ना, तब गैस का फ्लेम स्लो करके हम इसे 10 मिनट तक और पकने देंगे एक बॉईल के बाद। उसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिए 10 मिनट हो चुके हैं, स्लो फ्लेम पर मैंने इसे रख दिया था। अब मैं एक पेने पास्ता को एक बर्तन में निकाल देती हूँ, उसमें पानी था ठंडा, ताकि मैं इसे चेक कर पाऊँ अच्छी तरह से। तो अब ये देखिए ये अच्छी तरह से पक चुका है, आप इसे कट करके देख लीजिए। जब ये अच्छी तरह से पक जाए तो एक छलनी की हेल्प से हम इसे छान लेंगे, पानी को ड्रेन कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा सा बटर। 1 बड़ा चम्मच के करीब बटर काफ़ी है। अगर बटर नहीं है तो रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कीजिए, बट बटर से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा हम क्या करेंगे, जो हमने पास्ता अभी उबाल के रखे थे अब हम वो इसमें डायरेक्टली ऐड कर देंगे। यही इस रेसिपी का थोड़ा सीक्रेट है, जो इसके टेस्ट में थोड़ा ट्विस्ट लाएगा। हमें इस पास्ता को बटर से अच्छी तरह से मिक्स करना है, तो लो फ्लेम पर आप 5 मिनट तक हम इसे पकाएंगे, मिक्स करते रहिए। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से आप इसे मिक्स कर लीजिए। और साथ ही अब हम इसमें इसी स्टेज पर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच रेड चिल्ली फ्लेक्स का। आप साथ ही में मिक्स हर्ब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं सिर्फ रेड चिल्ली फ्लेक्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। और थोड़ा सा नमक, याद रखिएगा नमक पहले उबालते वक्त भी डाला है तो अभी बिल्कुल थोड़ा सा ही डालिएगा। बिल्कुल 2 से 3 पिंच के करीब नमक डाल के और रेड चिल्ली फ्लेक्स डाल के हम इसे मिक्स करेंगे, और इतना मिक्स करेंगे कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बटर की वजह से इसका जो टेस्ट है ना पास्ता का, वो थोड़ा सा क्रिस्पी क्रिस्पी टाइप भी हो जाएगा। बट इसे उबालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एकदम परफेक्टली उबले हुए होने चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अब इसे मैं एक बर्तन में निकाल देती हूँ और कवर करके रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब तक आप इसका मिक्सचर बनाएंगे मसाले वाला, इसे कवर करके रखिएगा ताकि ये सूखे ना। अब मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 से 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बिल्कुल बारीक काट लिया है। 1 बड़ा टमाटर ले लिया है, उसे काट लिया है। 1 बड़ा चम्मच बटर का, काफ़ी है उतना। बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच मलाई के ले लिए हैं, जो दूध की कलेक्ट करते हैं ना वो मलाई मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है। 2 प्रोसेस्ड चीज़ ले ली है मैंने, ब्रिटानिया का इस्तेमाल किया है, आप जो चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखे मसालों में हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक। तो बस फिर चलिए शुरू करते हैं। अब इसके लिए यहाँ पर मैंने एक और चीज़ ले ली है, जो कि है सेजवान चटनी। अब जब हमारी सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी तो हमें कढ़ाई में बटर डालेंगे और बटर को अच्छी तरह से मेल्ट होने देंगे। बट इतना बटर सफिशिएंट नहीं है, हम इसमें एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं जैसे ही हमारा बटर मेल्ट होगा। तो अब जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल के। और जैसे ही रिफाइंड ऑयल और बटर मिक्स हो जाएंगे, हमने यहाँ पर जो प्याज ले लिए थे अब वो प्याज हम इसमें ऐड कर देंगे और प्याज को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। यहाँ पे हम पास्ता बना रहे हैं तो हमें प्याज को, जो कलर है प्याज का, वो ज़्यादा बदलने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ प्याज को 2 से 3 से 4 मिनट इतना पकाना है कि इसका कलर जो है थोड़ा थोड़ा पिंक हो जाए, मतलब आर पार दिखाई दे, कुछ इस तरह के ये बनकर तैयार हो जाएं, जो कि हो चुके हैं आप देख पा रहे हैं। तो जैसे ही प्याज हमारे पिंक हो जाएंगे हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर।
एक बड़े टमाटर को मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। अब मैं वो उसमें ऐड कर लेती हूँ और इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। टमाटर ऐड करने के बाद बारी है सूखे मसालों की, तो सूखे मसालों में थोड़ा सा ध्यान से केयरफुली सबसे पहले हम नमक ऐड करेंगे और सबसे कम नमक ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों स्टेजेस पे पहले भी पास्ता में नमक ऐड हुआ है और सेजवान चटनी का आज हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी नमक होता है, तो थोड़ा कम नमक का इस्तेमाल कीजिएगा। एक छोटा चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, 2 से 3 पिंच हल्दी, थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स डाल देंगे और 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर सेजवान चटनी का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास रेड सॉस पास्ता है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं तो टोमेटो केचप का भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद कवर करके हम 5 से 6 मिनट छोड़ देंगे ताकि टमाटर प्याज अच्छी तरह से गल कर पक जाएँ। इनका गल कर पकना काफ़ी ज़रूरी है, जो कि आप देख रहे हैं बिल्कुल गल कर ये पक चुके हैं। कवर कर दीजिएगा, ये पक जाएंगे अच्छी तरह से। उसके बाद आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इस रेसिपी के, तो अब मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ बारीक कटी हुई हरी मिर्च। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्रोसेस चीज़ क्यूब। यहाँ पे मैंने प्रोसेस चीज़ ली है और उसके 2 क्यूब्स लिए हैं, रूम टेम्परेचर पे थे, मैंने फ्रिज से बाहर निकाल के रखे थे और यहाँ पे मैं उनको कद्दूकस करके इस्तेमाल कर रही हूँ। इतने पास्ता के लिए 2 प्रोसेस चीज़ काफ़ी हैं ताकि इसका स्मूथ टेस्ट बिल्कुल आ सके। और जब आप चीज़ ऐड कर रहे हो तो गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा, क्योंकि चीज़ ऐड करने के सडन बाद हम इसमें मलाई भी ऐड कर लेंगे। तो चीज़ के बाद अब इसमें ऐड करूँगी 1 बड़ा चम्मच या 2 छोटे छोटे चम्मच हम इसमें मलाई के ऐड करेंगे। ये मेरी दूध की कलेक्ट की हुई मलाई है, आप चाहें तो अमूल की फ़्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे मलाई ऐड करते वक्त गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा और इसे लगातार मिलाते रहिएगा, जब तक मलाई अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए आप इसे लगातार मिलाते रहिएगा। अब आप देख पा रहे हैं इसके लुक से ही इसका टेस्ट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना चीज़ी कितना क्रीमी बनकर हमारा ये पास्ता रेडी होगा, और सच में इसका टेस्ट वाकई में काफ़ी यूनिक होता है इस तरह अगर आप इसका मिक्सचर बना लेंगे तो। अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब देर ना करते हुए मलाई डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो पास्ता हमने कवर करके रखे थे इतनी देर, अब आपको पता होगा मैंने कवर करने के लिए इसलिए कहा था, जब तक हम टमाटर प्याज को पकाएंगे काफ़ी वक्त लग जाता है, 10-15 मिनट लग जाते हैं। अगर हम उन्हें ओपन रख देंगे ना किसी बर्तन में तो वो ऊपर से सूखने लगते हैं, इसलिए आप उन्हें कवर करके रखिएगा। अब उसके बाद मैंने इसे सॉस में डाल दिया जो हमने अभी बनाई है, और अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। बस मिक्स करने के बाद हमें ज़्यादा नहीं पकाना, 5 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर रखेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और ये बिल्कुल गर्मा गर्म सर्व करने के लिए रेडी है। ये देखिए बिल्कुल ही रेडी है, इसमें हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और बिल्कुल बेसिक सी चीज़ों के साथ घर की ये बनकर तैयार हुआ है, और इसका टेस्ट वाकई में काफ़ी रिच है। मतलब कोई इतना अंदाज़ा नहीं लगा पाएगा कि इसमें बहुत बेसिक सी चीज़ों का यूज़ हुआ है। तो ये देखिए कितना कलरफुल कितना अच्छा लग रहा है, और ये मेरे हब्बी को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो ये देखिए हो चुका, अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और ज़्यादा नहीं पकाएंगे, 5 मिनट सफिशेंट है। आप चाहें तो थोड़ा सा और ऊपर से चीज़ को कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं लुक के लिए। तो अब मैं इन्हें गर्मा गर्म आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए इनका कलर, अब मैं यहाँ पे आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। सो बस अब ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। सो आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके घर में सबको ये कितने पसंद आए, क्योंकि सभी को ये पक्का पसंद आने वाले हैं। तो इस तरह से आप सभी ने देखा, बहुत बेसिक टाइप से हमने बहुत बेसिक सी चीजों के साथ एक बहुत डिलीशियस सा पास्ता बनाकर तैयार किया है। आप इसे अपने घर पर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको ये बेहद पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत ज्यादा पसंद आती है तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब मैं आपके साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।